हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कनन सचदेवा मैथ्स क्लासेस। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 11, पेरीमीटर एंड एरिया। एग्जांपल स्टार्ट करेंगे आज इसकी। एग्जांपल नंबर 1, अ डोर फ्रेम ऑफ डाइमेंशंस 3 मीटर × 2 मीटर। डोर का एक फ्रेम है जो कि 3 मीटर और 2 मीटर उसकी लेंथ और ब्रेथ है। इज फिक्स्ड ऑन द वॉल ऑफ डाइमेंशंस 10 मीटर × 10 मीटर। वॉल में ये फिक्स किया गया है डोर जिसकी लेंथ और ब्रेथ 10 मीटर एंड 10 मीटर है। इट मींस रेक्टेंगल नहीं होके कौन सी शेप है? स्क्वायर, क्योंकि साइड्स इक्वल है। फाइंड द टोटल लेबर चार्जेस फॉर पेंटिंग द वॉल इफ द लेबर चार्जेस फॉर पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर ऑफ वॉल इज ₹2.50। अब ये तो है हमारे पास वॉल और ये क्वेश्चन है डोर। अगर हमें वॉल को पेंट करवाना है तो इट मींस उसमें जो डोर वाला पोर्शन है वो इंक्लूड नहीं होगा। इस पोर्शन को हमें पेंट करना है, डोर को तो पेंट नहीं होगा। अगर वॉल को पेंट करना है, ये डोर की जो डाइमेंशन दी है, डोर फ्रेम फिक्स किया गया है, उस पे तो कलर नहीं होगा, सिर्फ वॉल के इस पोर्शन पे होगा, वो पोर्शन जिसमें डोर इंक्लूडेड नहीं है। सो राइट डाउन, पेंटिंग ऑफ वॉल हैज टू बी डन, पेंटिंग ऑफ वॉल हैज टू बी डन बाय एक्सक्लूडिंग द एरिया ऑफ डोर। अगर हम डोर का एरिया इंक्लूड नहीं करेंगे, उस एरिया को हमें पेंट करना है। सो राइट डाउन, एरिया ऑफ डोर रेक्टेंगुलर शेप है, लेंथ इंटू ब्रेथ 3 × 2 = 6 मीटर स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ वॉल, दिस इज द एरिया ऑफ वॉल इंक्लूडिंग द डोर, इंक्लूडिंग द डोर कितनी लेंथ दी है? 10 × 10, सो 100 मीटर स्क्वायर। अब हमें वो एरिया निकालना है डोर का, जिस वॉल का जिसमें कि डोर इंक्लूडेड नहीं है। एरिया ऑफ वॉल एक्सक्लूडिंग द डोर किसके इक्वल होगा? डोर का एरिया उसमें से, सॉरी, वॉल का एरिया उसमें से डोर का एरिया हम माइनस कर देंगे, 94 मीटर स्क्वायर। नाउ कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द वॉल फॉर 1 मीटर स्क्वायर। अगर हमें 1 मीटर स्क्वायर वॉल पे पेंट करवाना है तो कितना खर्च आता है? ₹2.50। और हमारे पास कितना एरिया आया वॉल का? 94। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द वॉल फॉर 94 मीटर स्क्वायर, क्या करेंगे? मल्टीप्लाई ₹2.50 मल्टीप्लाई बाय 94, कितना आया? 23500। डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स 2, पीछे से काउंट करेंगे, सो कितना खर्च आएगा? ₹235। क्लियर है? एक वॉल है, उसमें एक डोर का फ्रेम फिक्स किया गया है जिसकी डाइमेंशंस 3 × 2 है। वॉल की डाइमेंशंस 10 × 10 है। हमें टोटल लेबर चार्जेस निकालने हैं अगर हमें वॉल को पेंट करवाना है। 1 मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट करने पे खर्च आता है ₹2.50। एरिया ऑफ डोर लेंथ इंटू ब्रेथ 3 × 2 = 6। एरिया ऑफ वॉल इंक्लूडिंग द डोर इज 10 × 10, बट हमें उस एरिया को पेंट करना है जिसमें कि डोर इंक्लूडेड नहीं है। सो एरिया ऑफ वॉल एक्सक्लूडिंग द डोर, टोटल वॉल का एरिया उसमें से डोर का एरिया माइनस कर देंगे, 94 मीटर स्क्वायर। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द वॉल फॉर 1 मीटर स्क्वायर इज दिस एंड फॉर 94 मीटर स्क्वायर इज दिस। Therefore, total labor charges is equals to, ₹235।
नोट कीजिए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर टू। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इज 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमें गिवन है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट कितना है 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ या विड्थ इज इक्वल्स टू 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ द लेंथ ऑफ द शीट इज 25 सेंटीमीटर, लेंथ की वैल्यू हमें गिवन है, व्हाट इज इट्स विड्थ। सबसे पहले हम विड्थ फाइंड करेंगे, क्या होगा, ये दोनों टर्म आपस में है मल्टीप्लाई, जब इक्वल के दूसरी तरफ जाएंगी तो क्या होगा, डिवाइड। 25 इंटू 2 इज 50, सो 20 सेंटीमीटर। ये तो हमारे पास आ गई विड्थ की वैल्यू। अब हमें पूछा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का हमारे पास क्या फॉर्मूला है, 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ इज 25, ब्रेथ इज 20, ऐड करेंगे 5, 45 इंटू 2 90, इट इज इन सेंटीमीटर्स। क्लियर, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट हमें गिवन है 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, लेंथ इनटू विड्थ इज इक्वल्स टू जो एरिया की वैल्यू है। लेंथ हमें गिवन है 25 सेंटीमीटर, विड्थ हमें फाइंड करनी है, क्योंकि ये दोनों टर्म आपस में मल्टीप्लाई हैं, जब इक्वल के दूसरी तरफ जाएंगी तो क्या होंगी, डिवाइड। 25 इंटू 2 इज 50, 0 इज हियर, सो 20 सेंटीमीटर हमारे पास आ गई विड्थ। उसके बाद हमें कहा है ऑल्सो फाइंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ इज 25, विड्थ की वैल्यू हमने फाइंड की 20, सो 45 इंटू 2 90 सेंटीमीटर्स।